In today's lecture, we are going to work out the different quantities of this three rooms plan by using center line method. So let's start today's lecture. Work out the quantities of following items for a given plan by using center line method. So first quantity that we have to work out, that is earthwork in excavation in foundation, second one concrete work in foundation, third one brickwork in foundation and plinth, fourth one 2.5 cm thick DPC, that is damp proof course, and last one, fifth, brickwork in superstructure. So these quantities we have to work out by using the center line method. As we know, in the center line method we have to calculate the center to center distance between the walls. First of all, that we have to calculate. So see here, these are the center to center distance of different walls. Already I have calculated. So first of all, I will calculate center line length of plan is equal to, so see here, in this plan these are the center to center distance. So this is the first wall having distance 7.6 meter. Similar wall having the same distance, that is 7.6, this one, after that this one 3.3 meter center to center distance, in this direction 5.3, this is wall. So this is the second wall having the 5.3 meter center to center distance, and this is the third one, again 4.3 meter, this one and this one having the same center to center distance. In plan, first of all we have to calculate the center to center distance of different walls in x direction and in y direction. Sabse pehle hum plan ka सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाले हैं इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन. तो हर एक वॉल का हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वर्कआउट किया है, फाइंड आउट किया है. तो हमें टोटल सेंटर लाइन लेंथ फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 7.6 मीटर. और 7.6 मीटर की कितने वॉल हैं, ये एक है और ये एक है, मतलब दो वॉल्स हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 7.6 मीटर प्लस ये वॉल हो गया, ये वॉल भी हो गया, उसके बाद ये वॉल है. पहले एक्स डायरेक्शन के जो भी वॉल्स हैं उसको मैं ऐड करूंगा, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऐड करूंगा. तो ये वॉल का कितना है, 3.3 मीटर, 3.3 प्लस, अभी इस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में देखते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये वॉल का कितना है, 5.3. तो ये कितने वॉल हैं, 1, 2 और दिस इज 3. सो आई विल राइट हियर 3 × 5.3 मीटर. तो ये वॉल का भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है. उसके बाद ये वॉल है और ये वॉल है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 4.3 प्लस कितने वॉल्स हैं, नंबर्स, टू नंबर्स, सो 2 × 4.3 मीटर.
So after calculating this one, we will get the center line length of the plan. So that is 43 meter. तो ये total center line length है plan का, तो वो आता है 43 meter. So after that, we have to calculate the total center line length, total center line length is equal to, तो क्या फॉर्मूला है, सेंटर लाइन लेंथ ऑफ प्लान माइनस, तो सेंटर लाइन लेंथ में सबसे पहले हमें जो भी नंबर ऑफ जंक्शन है तो उसको कंसिडर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी रहता है. जैसे कि यहाँ पे यल जंक्शन है, यल जंक्शन में क्या रहता है, एट पर्टिकुलर कॉर्नर देयर आर टू वॉल्स आर मीट, सो उसे हम यल जंक्शन कहते हैं. तो यल उस केस में ना ही कोई सब्सट्रैक्शन होगा और ना ही कोई एडिशन होगा, तो ये हम जॉइंट में कंसिडर नहीं करेंगे. उसके बाद आता है टी जंक्शन, तो यहाँ पे टी जंक्शन है, ये एक है और ये दूसरा है, तो यहाँ पे दो टी जंक्शंस हैं. उसके बाद ये क्रॉस जंक्शन है, तो इसको भी हमको डिडक्ट करना पड़ेगा. तो दो टाइप के जंक्शन हैं, एक तो टी जंक्शन है और दूसरा है क्रॉस जंक्शन, बाकी के एल जंक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे डिडक्शन में. तो फॉर्मूले में क्या रहेगा फिर, सेंटर लाइन लेंथ ऑफ प्लान माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल. तो ये टी जंक्शन के लिए है, विड्थ ऑफ वॉल भी टी जंक्शन का ही रहेगा. तो ये हमारे, ये एक टी जंक्शन है और ये दूसरा टी जंक्शन है. तो नंबर ऑफ जंक्शन इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ वॉल ऑफ टी जंक्शन. उसके बाद क्रॉस जंक्शन एक है, ये क्रॉस जंक्शन है, तो इसको भी हम डिडक्ट करेंगे. तो उसके लिए फॉर्मूले में क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रॉस जंक्शन इंटू विड्थ ऑफ वॉल, यहां पे एट आएगा, विड्थ ऑफ वॉल एट क्रॉस जंक्शन. तो इस प्रॉब्लम में आपके टी जंक्शन और क्रॉस जंक्शन के लिए जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम में वो कवर हो जाएंगे, डिफिकल्टीज आपके क्लियर हो जाएंगे. सो सेंटर लाइन लेंथ ऑफ प्लान हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 43 मीटर माइनस नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, टू नंबर्स, सो आई विल राइट हियर टू इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ वॉल एट टी जंक्शन. तो टी जंक्शन का विड्थ कितना है वॉल का, 0.3 meter, दैट इज 30 centimeter, सो आई विल राइट हियर 0.3 meter. सिमिलरली फॉर क्रॉस जंक्शन, तो उसमें क्या डिडक्शन आएगा, नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ क्रॉस जंक्शन कितने हैं, वन इंटू विड्थ ऑफ वॉल एट क्रॉस जंक्शन. तो विड्थ ऑफ क्रॉस जंक्शन पे विड्थ कितना है,
0.3 meter. So I will write here 0.3. So after calculating this, we will get 42.4 meter. So this is the total center line length. तो हमने total center line length निकाला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ total center line length is equal to 42.4 meter. After that, we will calculate the quantities in the measurement sheet. So I will write here serial number, particulars, nose, length, breadth, depth or height, and last one is quantity. So first quantity that we have to calculate, that is earthwork in excavation in foundation. Earthwork in excavation in foundation. तो नॉज कॉलम में क्या आएगा, हमारी टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितना है 42.4 मीटर, वो एक ही है, तो मैं नॉस कॉलम में एक ही कंसिडर करूँगा. तो लेंथ है अपना 42.4 मीटर. उसके बाद ब्रिथ, तो यहाँ पे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन की हमें ब्रिथ लेना है, तो ये लेंथ, ब्रिथ और डेप्थ किस में रहेगा, मीटर में ही रहेगा ये. तो ब्रिथ कहाँ से लेंगे, सेक्शन से लेंगे. तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ या ब्रिथ कितना है 1.1 मीटर, मतलब इतना आप एक्सक्वेट करने वाले हैं. तो उसका ब्रिथ मैं लेता हूँ यहाँ पे 1.1 मीटर. उसके बाद डेप्थ में ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डेप्थ में आप एक्सक्वेट करने वाले हैं, तो वो डेप्थ कितना है 30 + 20 + 20 + 20 + 10 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 1.0 मीटर. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्वांटिटी मिलेगा, दैट इज 46.64 क्यूबिक मीटर. तो ये क्वांटिटी आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से भी सेम क्वांटिटी मिलेगा. तो इस वैल्यू को आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. सिमिलरली फॉर सेकेंड आइटम, कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन. सो आई विल राइट हियर कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन. कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन, तो सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन लेंथ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो फाउंडेशन डिटेल है और जो वॉल का थिकनेस है वो थ्रू आउट सेम ही है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉज में वन कंसिडर करता हूँ. और टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितना है हमारा 42.4 मीटर. उसके बाद हम निकालने वाले हैं क्वांटिटी फॉर कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन. तो ये हमारा पीसीसी है, तो इसका क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है.
तो उसका विड्थ कितना है 1.1 मीटर। तो मैं विड्थ में 1.1 मीटर लिखता हूँ। उसके बाद पीसीसी का डेप्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.1 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा 4.664 क्यूबिक मीटर। तो ये वैल्यू आप लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से भी टैली कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। सो आई विल राइट हियर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो सेक्शन में देखिए, ये जो मैंने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री कंसिडर किया है और ये प्लिंथ है, तो ये अलग अलग विड्थ है इनका, तो इसलिए मैंने स्टेप वन, टू, थ्री और प्लिंथ में इसको डिवाइड किया है। तो इनका इंडिविजुअली हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट स्टेप तो नॉस कॉलम में वन ही आएगा क्योंकि हमारा सेंटर लाइन लेंथ एक ही है, दैट इज 42.4 मीटर। तो अभी फर्स्ट स्टेप का ब्रिथ कितना है, फर्स्ट स्टेप का ब्रिथ 80 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिखता हूँ, दैट इज 0.8 मीटर। सिमिलरली डेप्थ, तो ये फर्स्ट स्टेप का डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें फर्स्ट स्टेप का क्वांटिटी मिल जाएगा फॉर ब्रिक वर्क। सो इट विल बी 6.784 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टेप, नॉज में वन ही आएगा, लेंथ में भी सेम ही आएगा 42.4। अभी सेकेंड स्टेप का ब्रिथ देखना है, तो वो है 70 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.7 मीटर। और डेप्थ देखना है इसका, वो भी 20 सेंटीमीटर है, सो वी हैव टू राइट द 0.2 मीटर इन डेप्थ कॉलम एट दिस पोजिशन। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 5.936 मीटर क्यूब। नॉज में वन, लेंथ कॉलम में 42.4 मीटर। अभी थर्ड स्टेप का विड्थ कितना है 50 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.5 मीटर। एंड डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 4.240 मीटर क्यूब। लास्ट वन, दिस इज द प्लिंथ, सो आई हैव कंसिडर प्लिंथ फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। सो फॉर प्लिंथ इन नॉस कॉलम आई विल राइट 1, इन लेंथ कॉलम आई विल राइट 42.4 मीटर, और विड्थ कितना है उसका प्लिंथ का 0.3 मीटर। ये विड्थ कितना है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। अभी डेप्थ यहाँ पे देखिए, प्लिंथ लेवल का डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो ये ग्राउंड लेवल तक 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके 30 सेंटीमीटर प्लस ये 45 सेंटीमीटर, दैट इज 0.75 मीटर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 9.540 क्यूबिक मीटर।
तो यहाँ पे आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ का टोटल निकालना है तो इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो इनका एडिशन आएगा 26.50 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ का टोटल क्वांटिटी है 26.50 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। सो आई विल राइट हियर इन सीरियल नंबर 4 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। तो उसका नॉज एक ही है नंबर्स और लेंथ सेम ही है 42.4 मीटर। तो डीपीसी का ब्रिथ कितना है? तो ये हमारा डीपीसी है यहाँ पे ये वाला। तो इसका विड्थ कितना रहेगा? जो आपका वॉल का विड्थ है उतना ही डीपीसी का विड्थ रहेगा। तो वॉल का विड्थ कितना है? 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। तो वो डीपीसी का ब्रिथ भी सेम ही रहेगा। उसके बाद इसका डेप्थ कितना रहेगा? तो इसको डेप्थ नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहाँ पे डैश करता हूँ, क्योंकि डीपीसी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए उसको लेंथ और ब्रिथ ही रहता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको डीपीसी का काउंट मिलेगा, दैट इज 12.72 मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पे हमारा डिडक्शन आएगा डोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते। डीपीसी का यूज़ क्या है? जो भी मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट है तो वो हमारे बिल्डिंग में एंटर ना हो, उसकी एंट्री ना हो। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर और मॉइस्चर इनटू द स्ट्रक्चर वी विल प्रोवाइड द डीपीसी। तो जहाँ पे ओपनिंग रहेगी तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट है तो उसकी एंट्री होना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जहाँ पे ओपनिंग है जैसे कि डोर है तो वहाँ पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते। तो इस पोर्शन में हम डीपीसी डिडक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डिडक्शन आएगा, डिडक्शन फॉर डोर्स। तो हमारे डोर्स के नंबर्स कितने हैं? 3 नंबर्स है, 1, 2 एंड 3। तो नॉस कॉलम में डोर्स के क्वांटिटी मैं लिखता हूँ, दैट इज 3 नॉस। तो यहाँ पे डोर्स के डायमेंशन देखिए, डोर्स का डायमेंशन कितना है? 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर। मतलब ये कितना है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 1.2 मीटर। और जो हाइट रहेगा डोर का तो वो है आपका 2.1 मीटर। तो हम लेंथ में 1.2 मीटर लिखेंगे, 1.2 मीटर। और ब्रिथ में कितना लिखेंगे? जो आपका वॉल थिकनेस है, तो वॉल थिकनेस है आपका 0.3 मीटर। और डेप्थ या हाइट में हम कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, इसलिए यहाँ पे दो ही डायमेंशन आएंगे, लेंथ और ब्रिथ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें डिडक्शन फॉर डोर्स मिल जाएगा, दैट इज 1.08 मीटर स्क्वायर। तो हमें नेट क्वांटिटी मिल जाएगी, जो डीपीसी का टोटल क्वांटिटी है दैट इज 12.72 माइनस 1.08 मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 11.64 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा नेट क्वांटिटी है डीपीसी के लिए। नेक्स्ट वन सीरियल नंबर 5 ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सो आई विल राइट हियर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो नॉज में 1 ही आएगा, लेंथ में
42.4 मीटर। अभी ब्रिड कितना है ब्रिक वर्क का, तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए वॉल का विड्थ हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.3 मीटर। और डेप्थ कितना है सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो भी प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो भी ब्रिक वर्क है, तो उसका क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका हाइट है, इस ब्रिक वर्क का हाइट है 3 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.0 मीटर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ब्रिक वर्क का क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज 38.16 मीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क है, तो उसमें हमारे विंडोज हैं, डोर्स हैं, तो इसका डिडक्शन हमें इस टोटल क्वांटिटी से करना है। तो मैं यहाँ पे डिडक्शन फॉर डोर्स और विंडोज लिखता हूँ, डिडक्शंस फॉर डोर्स, दैट इज डी। तो डोर्स का कितना है काउंट 1, 2, 3, तीन नंबर्स है डोर के। तो यहाँ नॉस कॉलम में मैं डोर्स के क्वांटिटी लिखता हूँ, दैट इज 3 क्वांटिटी। लेंथ कितना है डोर का, अभी ये डोर के डायमेंशन है 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर। तो एक को मैं लेंथ कंसिडर करता हूँ और एक को हाइट कंसिडर करता हूँ, दैट इज 1.2 मीटर। डेप्थ और हाइट में मैं 2.1 लिखता हूँ, 2.1 मीटर। और ब्रिड्थ कितना रहेगा, ब्रिड्थ जो आपका वॉल थिकनेस रहेगा उतना ही ब्रिड्थ रहेगा, विड्थ रहेगा, दैट इज 0.3 मीटर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें डिडक्शन फॉर डोर्स मिल जाएंगे, दैट इज 2.268 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर विंडोज, विंडोज का काउंट कितना है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो पांच नंबर्स हैं हमारे विंडोज के। सो आई विल राइट हियर 5 इन नॉस कॉलम फॉर विंडो। तो विंडो के डायमेंशन देखिए यहाँ पे 1.2 मीटर बाय 1.5 मीटर, तो ये हमारा लेंथ है और ये हाइट है, दैट इज 1.2 मीटर लेंथ कॉलम एंड 1.5 मीटर इन डेप्थ और हाइट कॉलम। और विड्थ कितना रहेगा, जो आपका वॉल विड्थ है उतना ही विड्थ रहेगा विंडोज का। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 2.70 मीटर क्यूब। तो ये डिडक्शन का मैं टोटल करता हूँ, 4.968 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा डिडक्शन है डोर्स और विंडोज़ के लिए। तो हमें नेट क्वांटिटी निकालनी है ब्रिक वर्क की सुपर स्ट्रक्चर के लिए। सो आई विल राइट हियर नेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 38.16 माइनस 4.968 इज इक्वल टू 33.192 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा नेट क्वांटिटी है ब्रिक वर्क के लिए।